सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। क्या प्रभु यीशु पुराने नियम में प्रकट हुए थे? क्या प्रभु यीशु का पुराने नियम में कोई अस्तित्व था? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन तो नए नियम में आज से 2000 साल पहले हुआ था, तो फिर पुराने नियम में वो कैसे प्रकट हो सकते हैं? वेल, दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कब, कहां और कैसे प्रभु यीशु पुराने नियम में प्रकट हुए, और साथ ही साथ हम मलकीज़ेदक के रहस्य पे भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों यूहन्ना 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु आराधनालय में थे तो वो लोगों को बता रहे थे कि मैं कौन हूँ, और लोगों ने प्रभु से वाद विवाद करना शुरू कर दिया क्योंकि प्रभु यीशु ने परमेश्वर को अपना पिता बुलाया और दावा किया कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न भी हुआ था मैं उससे पहले हूँ। और तब यहूदी यीशु को मारना चाहते थे क्योंकि वो कहते थे कि अब्राहम तो यीशु से भी 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर था, और यह यीशु जिसकी उम्र मात्र 30-32 साल की है ये दावा कर रहा है कि यह अब्राहम से पहले था, इसलिए वो प्रभु यीशु को मारना चाहते थे। लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय 56 वचन से, प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने कहा, तू तो 50 साल का भी नहीं है और तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। इस कन्वर्सेशन में प्रभु यीशु ने सिर्फ यही नहीं कहा कि उन्होंने अब्राहम को देखा है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि मैं अब्राहम से पहले हूँ। जब अब्राहम का कोई वजूद भी नहीं था उस समय भी मैं था। अब क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि उन्होंने अब्राहम को देखा है तो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, और बाइबल में कोई ना कोई तो ऐसी जगह हमें मिलेगी ही जहां प्रभु यीशु अब्राहम के सामने प्रकट हुए हों। वेल, उत्पत्ति 14 अध्याय में हम एक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं जो अब्राहम ने 5 राजाओं के खिलाफ किया ताकि अपने भतीजे लूत को छुड़ा सके। युद्ध खत्म होने के बाद जब अब्राहम रास्ते में वापस आ रहा होता है तो अचानक ही कोई वहां प्रकट होता है, और उसे शालेम के राजा के रूप में जाना जाता है, और उसका नाम था मलकीज़ेदक। उत्पत्ति 14 अध्याय 18 वचन में लिखा है, तब शालेम का राजा मलकीज़ेदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो। दोस्तों यह वचन मलकीज़ेदक के बारे में हमें 3 बातें बताते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना इन बातों को। पहली बात कि वो शालेम का राजा था। दोस्तों दूसरी बात, वो अब्राहम के लिए रोटी और दाख मधु लाया। तीसरी बात, वो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। दोस्तों एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात पूरी बाइबल में यह है कि परमेश्वर के सभी याजकों में से कोई भी राजा नहीं रहा, एक भी याजक राजा नहीं था। पूरी बाइबल में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके पास राजा और याजक दोनों की पदवी थी, और वो व्यक्ति थे मसीहा। भजन संहिता 110 में मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, और उस भविष्यवाणी में लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मलकीज़ेदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। भजन संहिता 110:4 वचन साफ करता है कि मसीहा याजक होगा, और ध्यान रखें कि मलकीज़ेदक एक याजक भी था। चलिए अब मसीहा के राजा होने से जुड़ी हुई कुछ भविष्यवाणियों को देखते हैं। जकरिया 6:13 वचन लिखा है, वही यहोवा के मंदिर, वही मतलब मसीहा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल मिलाप की सम्मति होगी। दोस्तों और भी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु के लिए की गई थी कि वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। कैसी प्रभुता? परमेश्वर के राज्य की प्रभुता। यशाया 9:6-7 वचन लिखा है कि मलकीज़ेदक शालेम का राजा था। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि यह शालेम नाम की जगह आखिर थी तो थी कहाँ, कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया।
शालेम का अर्थ है शांति, और जब बाइबल कहती है कि वो शालेम का राजा था, इसका मतलब है वो शांति का राजा था, और यशाया ने प्रभु यीशु को ही शांति का राजा दर्शाया है। दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु और मलकीसदक के बीच में समानताएं हैं? मलकीसदक याजक था, प्रभु यीशु को पुराने नियम की भविष्यवाणियां भजन संहिता 110:4 में याजक के रूप में दर्शाया गया है। मलकीसदक शालेम का राजा था, जकरिया 6:13 वचन में मसीहा को राजा के रूप में दर्शाया गया है। भविष्यवाणी यह भी बताती है कि वो शालेम का राजा था, यानी कि शांति का राजा था, और यशाया 9:6-7 वचन यह भी बताते हैं कि वो शांति का राजकुमार है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इब्रानियों 6:20 वचन में लिखा है, जहां यीशु ने मलकीसदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगवा के रूप में प्रवेश किया है। इब्रानियों 7:3 वचन कहता है कि मलकीसदक के ना तो कोई पिता था, ना माता, ना वंशावली, और उसके जीवन का कोई अंत नहीं है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर वह सर्वदा के लिए याजक बना रहता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर। दोस्तों, जब हम यूनानी भाषा में इस शब्द को पढ़ते हैं तो यूनानी भाषा में इसका शब्द है आफामयो, जिसका मतलब है दूसरे व्यक्ति के समान अपने रूप को बदलना, या फिर किसी चीज़ की कॉपी करना, या दूसरी चीज़ के समान एक नया मॉडल तैयार करना। तो बाइबल साफ साफ बताती है कि मलकीसदक पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह की एक कॉपी या फिर प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा था, और इसीलिए प्रभु यीशु ने यहूदियों से दावा किया कि इससे पहले अब्राहम उत्पन्न भी हुआ था, मैं अब्राहम से पहले हूँ। दोस्तों, बाइबल में सभी वचन और सभी घटनाएं, सभी सिद्धांत एक जगह नहीं दिए गए हैं, इसलिए बाइबल को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मलकीसदक का पूरा क्राइटेरिया प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया कि इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह के। दोस्तों,